नमस्कार दोस्तों, यह है 2-in-1 कंबाइंड बोर्ड। तो आज इस वीडियो में इसके कनेक्शन करने वाले हैं। देखिए, इसको बाहर निकाल लिया है। तो इसके कनेक्शन कुछ इस तरह करेंगे कि आप इसको कभी भूलेंगे नहीं कनेक्शन करना। तो सबसे पहले इसके चारों स्क्रू खोल लेते हैं। तो इस तरीके से बारी बारी से इसके चारों स्क्रू को खोल लिया है। तो चलिए अब इसके कनेक्शन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ये 2-pin साकेट है, इसकी एक पिन में और एक 5-pin साकेट की एक पिन में एक वायर को लगा लेना है। तो इसके लिए एक सफ़ेद रंग का वायर लिया हुआ है। तो इस सफ़ेद वायर के साथ में एक इंडिकेटर की वायर को भी इस तरह से उमेट लेना है। उसके बाद में 2-pin साकेट की एक पिन में इसको कस लेना। उसके बाद में इसी वायर को 5-pin सॉकेट की एक पिन में इसको कस लेना है इस तरीके से। उसके बाद में क्या करना है कि एक वायर को और लेना है, इसी तरह लगाना जिस तरह ये वायर लगा हुआ था, उसी तरह इस इंडिकेटर की वायर को लगा करके इन दोनों पिनों में भी लगा देना है। तो इस तरीके से इंडिकेटर का दूसरा वायर भी इस तरह से 2-pin सॉकेट में कस दिया है। उसके बाद में इसी वायर को काट कर इसको छील लेना है। उसके बाद में इसी में एक वायर और जोड़ लेना है। तो इस तरीके से एक वायर के कंप्लीट, मतलब एक फेस कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ एक फेस बचा हुआ है। तो उसके लिए क्या करना है, एक वायर और लेना है। उसको इस तरह से इसके वायर को निकाल कर इसको जो ऑन ऑफ स्विच है इसके दोनों पिनों में इस वायर को कस लेना है बारी बारी से। उसके बाद में इसके एक वायर को इस तरह से काट लेना है और इसी वायर को लगाना है 5-pin के इस वाले पिन में। इसको कस देते हैं, मतलब दूसरे वाले पिन में एक फेस तो पहले से निकाल दिया था और दूसरे फेस को इस तरह से 5-pin सॉकेट में कस दिया है। तो बोर्ड है उसके कनेक्शन बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। तो चलिए अब इसको चेक करके दिखाते हैं। उससे पहले इसके जो वायर हैं इसमें से वायर को निकाल लिया है। तो चलिए अब इसको बोर्ड में लगा करके इसको चेक करके दिखाते हैं। देखिए, इसमें जो लाइट है वो जलने लगी है, मतलब इंडिकेटर है वो जलने लगा है। तो चलिए अब इसमें चार्जर को लगा करके दिखाते हैं। देखिए, इसमें भी लाइट है वो आ गई है। अब चलिए दूसरी पिन में भी लगाते हैं। देखिए, इसमें भी लाइट आ गई है 5-pin सॉकेट में। तो इस तरह से आप 2-in-1 बोर्ड के कनेक्शन आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।